अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो जी, साथ साथ जूस बनाते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि मेरी फैमिली आई हुई है, मेरे नेफ्यू और मेरी मदर दोनों आए हुए हैं, तो उनके साथ टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। रूटीन टोटली चेंज है, डिफरेंट टाइम पर सोते हैं, डिफरेंट टाइम पर उठते हैं, रूटीन बिल्कुल 3 मंथ से बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो इसलिए फिर मेरा काफ़ी टाइम मेरा होता है कि मैं उनके साथ स्पेंड करूं, और मैं इतना आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी हूं व्लॉगिंग से कि मुझे मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग करने को। लाइक बहुत कम होता है कि मैं व्लॉग अगर बना भी लेती हूँ तो फिर उसको इतने दिन गुजर जाते हैं कि मैं एडिट ही नहीं कर पाती। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में शेयर नहीं कर पाई। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने अनार और अंगूर को मिक्स करके उसका जूस बनाया है। अनार थोड़े खट्टे थे तो ढेर सारे मैंने अंगूर ऐड किए हैं इसके अंदर। मेरे पास पहले वाटरमेलन था तो मैं वो ऐड कर रही थी, अदरवाइज़ आप इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं। वाटरमेलन और अनार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये थोड़ा सा पानी डाला था सो डैट ब्लेंडर में अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए, इनका जूस निकल आए। अदरवाइज़ ज़्यादातर जूस ये अनार का और अंगूर का ही है। ठंडा ठंडा जूस पी लिया है और अभी हम लोग निकल आए हैं घर से और आए हैं नेस्टो, क्योंकि ग्रोसरीज करनी है। मुझे फ्रेश चाहिए था, कीमा चाहिए था, वो लेने के लिए मैं आ गई हूँ नेस्टो में। और बस आज बनाएंगे अम्मी के फेवरेट अंडा कोफ्ते, जो कि अम्मी के क्या हम सबकी फेवरेट है, वो मैं बनाऊंगी। क्योंकि अभी 2 दिन रहेंगे अम्मी के जाने में, तो मैंने कहा आज एक स्पेशल सा लंच बनाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुकिंग की है, अम्मी ने भी बहुत रेसिपीज़ ट्राई की हैं। मेरे घर में आपको पता है मीठा नहीं बनता था, अम्मी के आने से हमने बहुत मीठी चीज़ें ट्राई की हैं। लाइक आज भी अम्मी घर पे बना रही हैं मीठी टिकियाँ, उसकी रेसिपी मैं घर जाकर शेयर करूँगी। और लेकिन ये है कि अम्मी के आने से हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं। लेकिन सोचिए, जल्दी से अपनी ग्रोसरीज कंप्लीट करते हैं। पहले सब्जी सेक्शन से सारी सब्जियां और फ्रूट्स ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दूसरे सेक्शंस में। झटपट से करेंगे ग्रोसरीज कंप्लीट, घर चलेंगे और फिर मैं आपको मीठी टिक्कियाँ भी दिखाऊंगी और अंडे कोफ्ते मिलकर बनाएंगे। मम्मी के जाने का टाइम आ गया तो मेरी कोशिश है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाएँ, ट्राई की जाएँ, इन्जॉय किए जाएँ लास्ट फ्यू डेज़ उनके साथ। तो चलिए, आप मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा आज का ये ब्यूटीफुल सा व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, किस चीज़ का इंतज़ार है। ये है मेरा यूज़र नेम, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। सो जी, घर आकर अम्मी ने बना कर रखी हुई थी मीठी टिक्कियाँ, वो बनाती जा रही हैं, मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ। और ये एक वो वाहिद मीठी डिश है जो कि मेरे हस्बैंड ने बार बार रिक्वेस्ट करके अम्मी से बनवाई है। वैसे तो उन्हें हर चीज़ अच्छी लगी है। हम लोगों ने बालू शाही ट्राई की, ये वाली मीठी टिक्कियाँ ट्राई की, वी ट्राइड लोहोरी कतलम्मा, मीठे पकोड़े और इस तरह की सारी चीज़ें हमने ट्राई की। लेकिन ये एक वो वाहिद चीज़ थी जो उनको बेहद पसंद आई, क्योंकि इसमें मीठा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो ये बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं। इट्स लाइक अ कुकी काइंड ऑफ मीठी चीज़, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये बार बार वो बनवाते हैं। तो अम्मी से पाकिस्तान जाने से पहले रिक्वेस्ट की थी कि आंटी ये बना कर जाइएगा, तो अम्मी बना रही है अपने दामाद की फेवरेट डिश जो कि है मीठी टिक्कियाँ। और ये एक ट्रे भरकर निकल आया है, अभी और फ्राई हो रही हैं, निकालती जा रही हूँ, मैं रखती जा रही हूँ। मेरे आने से पहले मैंने ये सारी शेप देकर रखी हुई थी और बस मैंने आकर इनको फ्राई करना शुरू किया।
तो खैर जी, ये हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ जो थी वो गिर रही थी, उनको ठंडा होने के लिए रखा है। जैसे ठंडी हो जाएंगी फिर एयर टाइट बॉक्स में आप रख लें अपने किसी भी कॉफ़ी टेबल पर, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं। तो खैर जी, मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चटपट से अंडे कोफ्ते, जिसके लिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये मैंने लिया है, जिसमें से आधे की पेस्ट बनाकर मैं कीमे में ऐड कर दूँगी कोफ्ते बनाने के लिए, और आधा जो है वो चला जाएगा मसाले के लिए जिसमें हम कोफ्ते का मसाला बनाएंगे। तो ये सारा एक ही जगह पर नहीं जाएगा, बस टू मच हो जाएगा। तो बस जब भी मैं चॉपर में डालने लगी हूँ कीमा, पहले हम लोग प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉपर में, फिर उसके बाद कीमा डालकर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चॉप कर लेंगे सारे मसालों के साथ। सूजी कोफ्तों के लिए कीमा जो है उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और इसमें कोई बेसन, कोई अंडा, कोई ब्रेड का पीस कुछ भी नहीं किया, बस फ्रेश मैं कीमा लाई थी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, बिल्कुल ड्राई था। सारे मसालों के साथ और हरे मसाले के साथ मैंने इसको पीस लिया है। अभी मैं इसको अम्मी को दे के आई कि वो उनको कोफ्ते की शेप दे दें। यहाँ पर मैंने इसका मसाला रेडी करना शुरू किया है। एक बड़े साइज की मैंने अनियन ली है, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रहने देंगे फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक स्मूथ और सिल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसको निकाल कर बाहर रख लेंगे और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसकी पेस्ट डालेंगे। अगर आप प्याज को गोल्डन करके उसकी पेस्ट बनाते हैं तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट ग्रेवी में अलग से आता है। अगर आप कच्ची प्याज को ब्लेंड करके डालते हैं तो बहुत टाइम लेती है कुक होने में। यहाँ पर उसी तेल के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं साबुत गर्म मसाले, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, हरी मिर्च, लौंगे और ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है ये अदरक, लहसुन और टमाटर की पेस्ट। बस जी, इसको अच्छे से पकाएंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे जी हम लोग सारे मसाले, और फिर इसको अगेन पकाने के बाद इसके अंदर प्याज की पेस्ट बनाकर वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि फ्रेश कुटे अदरक लहसुन की जब जाती है ना पेस्ट, उसकी और ही बात होती है। यहाँ पे प्याज भी मैंने ब्लेंड कर लिए हैं और उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपकी ग्रेवी मीठी हो जाएगी। तो बस एक प्याज बहुत होती है स्पेशली कोफ्तों के लिए। मसाले में जा रहा है नमक, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अम्मी ने जी सारे कोफ्तों को शेप दे दी है, और माओं का ये फ़ायदा होता है कि कुछ काम जो खाना पकाने में आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स लगते थे, तो आपका कोई हाथ बटाने वाला हो तो ट्रस्ट मी वो काम आधा हो जाता है। तो यहाँ पर कोफ्ते आ चुके हैं, मैं इनको फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, बल्कि पैन फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल के अंदर के अच्छे से ये फ्राई हो जाए, फिर इनको हम मसाला जो रेडी होगा उसके अंदर डाल देंगे और हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कप के करीब डाली है इसमें दही, दही को अच्छे से फेंट कर डालिएगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर लगती मसाले में उसको भूनने के लिए। तो चलें जिसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फ्राई करते हैं कोफ्ते।
सो जो मसाला जो है कोफ्तों के लिए वो अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर सरफेस पे आ चुका है। एक बैच मैंने कोफ्तों का निकाल लिया है, दूसरा फ्राई हो रहा है। बस अभी यहाँ से स्ट्रेट कोफ्ते जाएंगे इस ग्रेवी के अंदर। और फिर मैंने दूसरी तरफ थोड़ा सा कैटल में पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे मैं कोफ्तों को अच्छे से थोड़ा सा मसाले के अंदर भून लूँगी, फिर इसके अंदर हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। जिस हिसाब से आपको क्वांटिटी बनानी हो, शोरबे वाले रखने हैं या थोड़े मसाले वाले रखने हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो वो आप कर सकते हैं। मैं अभी इसमें अंडे ऐड किए हैं, अंडों को थोड़ा सा इसमें भूनेंगे ताकि उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाए। फिर मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगी और फिर हम इसको हल्की सी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो हमारे मज़ेदार से अंडा कोफ्ता करी, अंडा कोफ्ता शोरबा हो जाएगा रेडी। ये हमारे बचपन की एक फेवरेट डिश है जो कि बहुत ज़्यादा बनती थी और बहुत शौक से हम लोग सब खाते थे। तो फिर जब से मैं आई हूँ, दिस इज़ अ सेकेंड टाइम के मैं बना रही हूँ। मैंने बहुत तरह की चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया बन रहा होता था और हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था मेन्यू में। लेकिन मैंने कहा कोफ्ते सबको बहुत पसंद आए थे, तो आज दोबारा बनाते हैं। जाने से पहले एक बार दोबारा खाते हैं। अम्मी ने हस्बैंड की फरमाइश पूरी की है, मैं अम्मी की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चले ये बनाते हैं आज लंच में, इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब कल का दिन है जो कि पैकिंग में गुजर जाएगा, तैयारी में गुजर जाएगा। तो मैंने कहा आज ये काम कर लेते हैं, खाना वगैरह पका लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये हमारी अंडा कोफ्ता करी जो है वो हो गई है रेडी। इसमें मैं लास्ट में डालूंगी जी गरम मसाला और थोड़ी सी सूखी मेथी। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लीजिएगा, अगर नहीं डालना चाहिए तो मत डालिएगा। सो जी अब टाइम है इस मज़ेदार लंच को एंजॉय करने का। तो बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली जो लोग मुझे मॉल्स में मिले, रेस्टोरेंट्स में मिले, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, अम्मी की मुलाकात हुई, उन्होंने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उन सब का भी दिल से शुक्रिया। तो चलें जी आप मेरे व्लॉग्स को इस तरह देखते रहिएगा। आई विल सी टुमारो गाइस विद अनदर व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई से गुड बाय विद दिस डिलीशियस अंडा कोफ्ता करी, डू ट्राई इट। बाय बाय।